अच्छा तो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, सभी बच्चे आ चुके हैं, टाइम भी 6:30 हो गया है। अच्छा देखो, अभी हमने अभी जो हमारा पहले बैच चल रहा था, एक फोर्थ और एक फिफ्थ बैच चल रहा था, दोनों को हमने कंबाइन किया है। तो हुआ क्या है कि फोर्थ बैच थोड़ा सा आगे चल रहा था, सेट्स चैप्टर उसमें कंप्लीट हो गया था और रिलेशन चैप्टर की दो एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई थी। और जो एक फिफ्थ बैच है, ई बैच, तो उसमें सेट्स की तीन एक्सरसाइज हुई अभी, ठीक है? तो अभी क्या करना है, 2 दिन तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक, मुझे थोड़ा सेट्स की वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पहले, जो ई बैच है, ठीक है? मीन वाइल जो फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऐसे वीडियोस भी भेजता रहूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है? उसमें क्या होगा, जैसे संडे को अभी टेस्ट हुआ था, अभी मैं जो बोल रहा हूँ फोर्थ बैच के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके अंदर जो संडे को आप लोगों ने टेस्ट दिया, अभी आज ही आज में मैं उस पूरे पेपर में, मैथ का जो पेपर आया था उसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाकर इस क्लास के बाद आप लोगों को दूंगा, फोर्थ बैच वालों को, ठीक है? जो ई बैच है उनके लिए अभी मैं थर्ड एक्सरसाइज के आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज तक आप लोग कर चुके हैं, ठीक है? पावर सेट्स तक आपने कर लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज की क्लास, कल की क्लास, उसके अंदर क्या होगा, मैं सेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और इस वीक के अंदर मंडे टू थर्सडे तक, मैक्सिमम थर्सडे तक दोनों बैच बराबर हो गए, उसके बाद फिर मैं थर्सडे के बाद नया चैप्टर शुरू कर दूंगा जो दोनों क्लासेस का एक साथ चलेगा, ठीक? तो मीन वाइल की 4 दिन जो फोर्थ बैच वाले हैं कि उनको लगे कि उनके लिए नया नहीं हो रहा, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेस्ट हुआ संडे को उसके सोल्यूशन भेजूंगा, कल मैं आपका सेट्स का एक और टेस्ट लूंगा, ठीक है? सेट चैप्टर का एक और टेस्ट लूंगा कल शाम को, वेंसडे को मैं उसके सोल्यूशन दूंगा फिर से, ठीक है? तो इस हिसाब फोर्थ बैच वालों को भी चीजें मिलती रहेंगी, और जो ई बैच के अंदर जो कर चुके पहली तीन एक्सरसाइज उसके आगे से मैं फोर्थ एक्सरसाइज शुरू करना चाहूंगा। अच्छा, कोई मुझे किसी की पहली क्लास है, किस किस की ये पहली क्लास है मैथ की, मतलब जेनेसिस में पहली क्लास किस किस की है, एक बार मुझे बताओगे? अब मुझे बात, तो जो मैंने चीज समझाई क्लियर हुई सबको, फोर्थ बैच वालों को भी, फिफ्थ बैच वालों को भी, एक बार यस और नो में बता दो कि थोड़ा सिलेबस हम सेट से लेके चलेंगे, थर्सडे तक दोनों बैच पैरेलल आ जाएंगे, फोर्थ बैच वालों को मैं अलग से भी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा कुछ कुछ, ठीक है? जिससे उनको ये ना लगे कि उनका सिलेबस पीछे जा रहा है। संडे टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको ही दूंगा, और कल आपको मैं एक अलग से एक टेस्ट दूंगा जिससे आपका दोबारा से रिवाइज हो सारी चीजें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप ये क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो लाइव वाली, जो टाइम टेबल भेजा है रिवाइज हो जाएगा दोबारा से, ठीक? तो मैं आज शुरू करूंगा पावर सेट के आगे से। अच्छा, जिसकी ये पहली क्लास है, भी अटेंड नहीं किया होगा, मुझे एक बार प्लीज मैसेज कर देना, आज मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वाली वीडियोस देख लेना, ठीक है? मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9582845717। माय नेम इज अमित मोहिंतु, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम, ठीक है? अच्छा, एजुकेशन वाइज आई हैव डन माय डिग्री फ्रॉम ट्रिपल आईटी डेट, एंड आई बीन एसोसिएटेड विद जेनेसिस क्लासेस फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है? जो नए बच्चे हैं जिनको मैं अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नंबर आप लोग नोट कर लेना, मुझे आप मैसेज कर सकते हो, उस पर जिसका जो भी छूट रखा है मुझे बता देना, मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, इस वीक के अंदर हम बराबर आ जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। किसी का चैट पर मैसेज, ट्रिपल आईटी से लगे लोकेश, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड आईआईटी दिल्ली आर डिफरेंट थिंग। आईआईटी दिल्ली अलग है, जैसे इंडिया के अंदर 3 इंस्टीट्यूट्स होती हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आई, जो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, अच्छी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जो आईआईटी अलग होती है, एनआईटी अलग होती है, ट्रिपल आईटी अलग होती है। तो जिनका भी रैंक स्टार्टिंग के 10,000 तक आता है जेई मेंस तक, उसको एनआईटी और ट्रिपल आईटी मिलती है, ठीक है? आईआईटी एडवांस से आईआईटी में जाते हैं, जेई मेंस के थ्रू आप ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, इन सब में जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ सेट्स की 1.3 एक्सरसाइज के आगे से, ठीक है? सर तो बैच लीव कर दें या कुछ इम्पोर्टेंट, देखो जो फोर्थ बैच के बच्चे हैं जिनको पावर सेट से लेके एक्सरसाइज 1.6 तक दोबारा रिवाइज करना है, आज और कल में वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, और फोर्थ बैच में ही मैं कल के वीडियो सॉल्यूशंस भी, कल के पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस भी अभी मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, वो वीडियो सॉल्यूशंस जरूर देखना आज, ठीक है? ताकि आपको भी कुछ नया मिलता रहे। 2 दिन मैं आपको नई चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा, कल टेस्ट लूंगा आपका, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और आप लोग अपना टेस्ट देंगे कल, परसों उसकी वीडियो सॉल्यूशंस बना के दूंगा। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे का फोर्थ बैच का शेड्यूल यही रहेगा, आज वीडियो सॉल्यूशंस, कल के टेस्ट के, कल
कल एक नया टेस्ट होगा और वेंसडे को उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सर्कल वाले टेस्ट का रिजल्ट कब आ गया? टेस्ट का रिजल्ट तो ऑनलाइन आ गया, आप अपने अकाउंट पे चेक करो, अगर नहीं आया तो मैं शेयर भी कर दूंगा टेस्ट का रिजल्ट फोर्थ ग्रुप पे, ठीक है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ फोर्थ बैच वाले जिनको रिवाइज करना है आज और कल, ये रिवाइज कर सकते हैं। मैं सेट चैप्टर की 1.6 तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, और आपके ग्रुप पे नया मटेरियल तो मैं डालता ही दूंगा, ठीक है। सर्कल टेस्ट में मैथ्स नहीं था, मैथ्स था अभी, सभी ने मैथ्स दिया है कल। चलो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, बाकी जिसके पर्सनल डाउट है वो मेरे को मैसेज करना, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ बैच वाले रिवाइज कर सकते हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पावर सेट के आगे, ठीक है। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, देखो ये देखो आपकी कल जो भी पहले क्लास हो रही है उसके हिसाब से पावर सेट से आगे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पावर सेट आप लोग पढ़ चुके हो, उसके अंदर आपने इतना पढ़ लिया था कि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं कितने होते हैं, 2 की पावर m। जो ई बैच के स्टूडेंट्स हैं एक बार मुझे मैसेज कर दो, पावर सेट तक आप लोग वीडियो देख चुके हो, यस और नो? ई बैच वाले मेरे को मैसेज कर दो, जिन्होंने नहीं देख रखा एक बार मेरे को आज नॉनम मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो से प्रोवाइड कर दूंगा, तभी मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पुरानी वीडियो से प्रोवाइड कर दूंगा, आज रात को वो देख लेना और तो कल आप बराबर पहुँच जाओगे, ठीक है। पावर सेट हम लोग देख चुके हैं 2 की पावर m, मुझे मैसेज जरूर कर देना, नंबर मैंने आपको दे दिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे अब यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मतलब देखो क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज पढ़ेंगे हम, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, देखो जिस बारे में हम बात करते हैं उससे एक बड़ी पिक्चर में सोचना। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए, उसको मैंने बोला उस सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो 1, 2, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ एक सेट सोचो जो ए से बड़ा हो, जिसके अंदर ए सेट तो कंप्राइज हो ही जाए, मतलब ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो उस बड़े सेट के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो ए सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से, 1, 2। अब मैं कह रहा हूँ ए सेट का यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सोचना, मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा सेट सोचना जिसके अंदर 1 और 2 तो आना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और आए या ना आए हमें कोई लेना देना नहीं, मिनिमम 1, 2 तो आना ही चाहिए। मान लो एक सेट मैंने बोला बी, जिसको मैंने बोल दिया 1, 2, बी को भी बोल दिया 1, 2, ठीक। सेट सी है एक मान लो, उसको मैंने बोला उसके अंदर है मेरे पास एलिमेंट 1, 2, a, ठीक। एक सेट मैंने लिया डी, जिसको मैंने बोला उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, a, b, ठीक। अब मैं पूछता हूँ कि सेट ए से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट कौन कौन हो सकता है, मतलब ए सेट का यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कौन हो सकता है। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक सेट का वही सेट होगा जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स तो आई जाएं, जो ए के पास एलिमेंट है वो उस बड़े वाले सेट के अंदर होने चाहिए। अब मैं सेट बी पूछता हूँ, क्या सेट बी सेट ए का यूनिवर्सल सेट है क्या, सेट बी सेट ए का यूनिवर्सल सेट है क्या। देखो सेट बी के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ रखे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हाँ बी सेट ए का यूनिवर्सल सेट है। फिर मैं पूछता हूँ सेट सी सेट ए का यूनिवर्सल सेट है क्या, मैंने सेट सी चेक किया, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2 and a, ठीक 1, 2, a। अब 1, 2, a में चेक किया कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स हैं क्या, 1 है और 2 है सेट सी के अंदर हैं वो, तो सेट सी को भी मैं बोल दूंगा सेट ए का क्या है यूनिवर्सल सेट। डी डी चेक करता हूँ, क्या डी को मैं बोल सकता हूँ सेट ए का यूनिवर्सल सेट। अब डी के अंदर कौन है 1, a, b। देखो सेट ए के अंदर कौन थे, 1 था 2 था, पर सेट डी के अंदर कौन है, 1 है पर 2 नहीं है, उसके अलावा इधर उधर के एलिमेंट्स हैं a, b, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 2 होना चाहिए था, पर 2 तो मेरा नहीं डी के अंदर, तो सेट डी को सेट ए का यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स या फिर यूनिवर्सल सेट नहीं बोलूंगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है कि यूनिवर्सल सेट किसी एक सेट के, एक सेट का दूसरा सेट यूनिवर्सल सेट तब होगा जब एक उस गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट के अंदर हों। जैसे सेट बी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, सेट सी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, पर सेट के अंदर नहीं है, तो इस केस में बी और सी को मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूँ ए का, पर डी को नहीं बोल सकता हूँ। एक बार चैट पे मेरे को बताओ बात समझ आई, तो ये हुआ अपना यूनिवर्सल सेट। देखो कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आज कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज सेट्स की करवा रहा हूँ, 2-3 पुरानी एक्सरसाइज, जो पुराने बच्चे
उनको मैं फिर से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कुछ आज नई वीडियोस। नीतीश मान पूछ रहे सर अमन सर नहीं पढ़ा रहे चैप्टर वन अभी सेट चैप्टर मैंने शुरू किया दोबारा से ना, तो आप लोग ध्यान से सुनो सेट चैप्टर को ठीक है। तो इसके बाद ये यूनिवर्सल सेट के बारे में हमें पता चल गया ठीक। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने जो आपको बताया एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो 1.8 टॉपिक है उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने बात करी मान लो एक सेट है ए, तो सेट ए के अंदर मान लो एक एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 इतने एलिमेंट्स हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सेट ए का एक यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ इंटीजर्स होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो वो सेट ए का यूनिवर्सल सेट इजीली होगा, रीजन बीइंग के अंदर 1, 2, 3 सब होगा। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि होल नंबर का जो सेट है वो सेट ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है क्योंकि डब्ल्यू के अंदर भी 1, 2, 3 आ जाते हैं, होल नंबर के अंदर 1, 2, 3 होता है ठीक है। मैं पूछता हूँ रियल नंबर का जो सेट है क्या वो ए सेट का यूनिवर्सल सेट बन सकता है? अगेन यस, क्योंकि रियल नंबर के अंदर भी 1, 2, 3 आ जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर पुराने जो छोटा सेट है वो उसके अंदर कंप्राइज होता है ठीक। आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा तो ये आपकी 1.3 की थ्योरी कंप्लीट हुई ठीक। अब मैं कुछ पावर सेट से रिलेटेड आपको एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये देखो मान लो मेरे को एक सेट दिया हुआ है, सेट दे रखा है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं 0, 1। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं 0, 1। पावर सेट के अंदर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर क्या क्या होता है, पावर सेट के अंदर क्या करना होता है, हमें एक सेट बनाना होता है जिसके अंदर कौन आते हैं एलिमेंट्स आते हैं, पर वो एलिमेंट्स कौन बन के आते हैं इसी सेट के सबसेट। पहले मैंने बोला कि इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, देखो एलिमेंट्स कितने 2, तो 2 की पावर 2, इसके सबसेट्स कितने होंगे 4। कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं इसके, एक तो वो सेट लो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, 0 भी हटा दो 1 भी हटा दो, वो क्या हो जाएगा ये खाली, इस खाली को क्या बोला जाता है एम्प्टी सेट, दैट इज 5। दूसरा इसका सेट कौन हो सकता है, एक एलिमेंट वाला सेट लो जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 0, एक ए वाला सेट हो सकता है वो, और एक सेट हो सकता है 1 वाला। एक सेट वो लो जिसके अंदर दोनों एलिमेंट आ रहे हैं 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है ठीक है। ये चार ही इसके ऐसे सेट हैं जो कि ये चारों के चारों क्या है इसके सबसेट हैं। सबसेट माने ऐसा सेट जो इस वाले के अंदर आ जाए, ये पूरा का सेट इसके अंदर आ सकता है, ये वाला सेट भी इसी का पार्ट है, ये वाला सेट भी इसी का पार्ट है, और ये खाली वाला भी इसी का पार्ट है। तो हमें पावर सेट में करना क्या होता था कि इससे रिलेटेड जितने भी सबसेट हैं उनको लिखो और उसको फिर एक ब्रैकेट में बंद कर दो, जैसे एक ए लिखा फिर एक ए लिखा फिर दूसरा ये लिखा चौथा ये लिखा, सबके बीच में कोमा आया और ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया पावर सेट किसका, ए का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये क्या है पावर सेट ऑफ ए। चैट में बताओ बात समझे, पावर सेट ऑफ ए यस और नो। अच्छा मैं हर बार थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपसे रिस्पॉन्स पूछता रहूंगा यस और नो करके कि आपको समझ आ रही है चीज की नहीं आ रही है ठीक है। सभी का रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को उसी टाइम जब मैं पूछूंगा आप लोगों से ठीक है। जो नए हैं वो भी समझने की कोशिश करो ठीक है। दिवांश आप अपना इंटरनेट देखो क्योंकि बाकी सबको आ रही है आवाज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वॉइस में, हो सकता है इंटरनेट का इश्यूज तुम्हारी तरफ हो, किसने कोई मैसेज नहीं किया इंटरनेट का ठीक है। अब देखो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक सेट है मेरा मान लो ये, एक सेट है मेरा ए कोमा बी कोमा सी, मैंने पूछा इस सेट, ये एक सेट है मान लो एक नया, इसको भी बोल दिया ए, मैंने बोला इस सेट का पावर सेट बनाओ। इस सेट का पावर सेट बनाना है तो देखो मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला ठीक है, ये वाला। तो 1, 2, 3 का सेट कौन सा है, 1, 2, 3 इसका पावर सेट बनाना है मेरे को। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें टोटल कितने, 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3। इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3। देखो पहला सबसेट तो यही है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया, 5 खाली बोलते हैं जिसको। फिर मैंने क्या लिया, सॉरी मैंने किसका पावर सेट बनाना है, एबीसी का। जो सेट है मेरा वो क्या है, एबीसी, ए बी एंड सी, इसका पावर सेट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक सेट तो वो होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो क्या बोल दूंगा 5 ठीक है। फिर मैं वो वाले सेट बनाऊंगा जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट आए ठीक है, एक ए आ गया, वो एक ए एलिमेंट वाला, एक सिंगल एलिमेंट वाला, ये भी हो गया एक सिंगल एलिमेंट वाला, ये भी हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, दो दो एलिमेंट वाले बनाऊंगा, एक हो सकता है ए बी के साथ, एक हो सकता है बी सी के साथ, और एक हो सकता है ए सी के साथ। तो मैंने ये बनाया ए बी के साथ, ए सी के साथ, बी सी के साथ, और एक ये पूरा का पूरा खुद ही उठा लिया, पूरा खुद का खुद उठाया, तो ये आ गया ए बी सी ठीक, ये आ गया। तो टोटल 8 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और एंड 8 और इसको बंद कर दिया तो पावर सेट ऑफ एबीसी ये वाला आ गया। चैट पे बताओ बात समझ आई? ये सुनो, उसके बाद देखो फिर मैं बोलता हूँ कि एक सेट है मेरा ये वाला पावर सेट ऑफ, एक सिंपल सेट है क्या ये, मैंने पूछा इसका सेट बनाओ। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? एक, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 1 दो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक वो सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको क्या बोलूंगा 5 खाली वाला, और एक कौन सा होगा खुद जिसके अंदर एक एलिमेंट ए आ रहा है, उसको मैंने खुद से लिख दिया ऐसे ही, तो टोटल दो एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ, एक सेट है मेरा जो कि खाली है बिल्कुल ही, ये मैं पूछता हूँ इसका सबसेट बताओ, इसके पावर सेट बनाना है इस वाले का। अब बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर 0 दैट इज 1, और वो कौन खुद होगा? ये खुद ही होगा वो एक एलिमेंट। तो मैंने जब इसका पावर सेट बनाया तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट करी और उसके अंदर कौन लिखा, ये खुद ही एक सेट आएगा जो कि खाली वाला है, ऐसे लिख दिया, ठीक। ये इसका पावर सेट हो गया, और इसमें क्या लिखता हूँ 5 भी लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में क्या होगा, ये खुद ही एक सेट आएगा एक नए सेट के अंदर। यस और नो चैट पे बताओ एक बार फटाफट, यस और नो, बात समझ गए? चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके बाद मैं थ्योरी करा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4 1.5 की, 1.3 आप रीड कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ थ्योरी 1.4 1.5 की। अब देखो अब मैं आ रहा हूँ वेन डायग्राम के ऊपर, एक नया टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होता है, देखो वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, ठीक है। मान लो मैंने एक सेट लिया ए, ठीक, जिसको मैंने लिख दिया 1 2 3, ये एक मेरा सेट है, और इस सेट ए से एसोसिएटेड मैंने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया। मान लो यूनिवर्सल सेट को मैंने डिफाइन किया जिसके अंदर क्या आ रहे हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है। मान लो एक सेट ए है और उससे एसोसिएटेड एक यूनिवर्सल सेट है यू। एक क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक सेट से एसोसिएटेड यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, क्योंकि एक सेट से एसोसिएटेड यूनिवर्सल सेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, और क्वेश्चन में वो डिफाइन कर देगा इस सेट से एसोसिएटेड यूनिवर्सल सेट कुछ है, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन सेट की और यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। जो मेरे सेट होंगे उनको मैं हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे? सर्कल से। और यूनिवर्सल सेट होगा वो हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किससे? रेक्टेंगल से। जो भी सेट होंगे वो सर्कल से प्रेजेंट किए जाएंगे, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो किससे प्रेजेंट किया जाएगा? रेक्टेंगल से किया जाएगा, ठीक। अब मान लो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ए और यू, मैंने ये बना दिया, ए सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, आपको कहीं पर एक यहाँ पे 1 पड़ा हुआ मिलेगा, एक जगह 2 मिलेगा, एक जगह 3 मिलेगा। अब यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 तो था ही, और एक एक्स्ट्रा 4 है, तो मतलब सर्कल के बाहर कहीं पर 4 होगा, ठीक है। अब मैं यूनिवर्सल सेट के एंगल से देखूं तो पूरा रेक्टेंगल के अंदर सर्कल भी है, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन दिख रहा है? 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। पर केवल और केवल अगर मैं ए सेट की बात करूं, ए सेट में कौन कौन दिख रहा है? 1 2 और 3। तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से आएगा, और जो गिवन सेट है वो सर्कल से आएगा। जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट सर्कल के अंदर दिख रहे हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सर्कल के बाहर दिख रहे हैं। तो ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट किया और बचे हुए एलिमेंट को बाहर डाल दिया जो यूनिवर्सल सेट में दिखेगा। यस और नो, बात समझ आई? अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, ठीक है, ये देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, देखो ये यूनिवर्सल सेट जो व्हाइट वाला सर्कल है, ये सर्कल क्या है मेरा? सेट ए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सेट ए के बाहर भी तो जो एलिमेंट्स है वो कहाँ है? बाहर है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में वो एलिमेंट्स, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट हो गया ए, ठीक। एक सेट को मैं बोलूंगा ए के ऊपर डैश, ए के ऊपर डैश मतलब इसको मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वो सारे एलिमेंट्स जो ए में थे उनको छोड़ के जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पड़े हैं उनकी कलेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इस सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको छोड़ के जो बाहर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ये वाली है जो ब्लू कलर की, इसकी कलेक्शन है जो, इसको मैं क्या बोल दूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो तीन चीजें हो गई, एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया,
एक सेट ए हो गया इस सर्कल में, और सेट ए के बाहर जो एलिमेंट्स बचे उसको क्या बोलूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में उसकी कलेक्शन। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये फिर से मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिखाया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये व्हाइट सर्कल सेट ए, ए कॉम्प्लीमेंट माने ये ब्लू वाला। अब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर तो नहीं है पर यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट कौन सा आएगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स, सच दैट वो एक्स कैसा होगा, वो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो होगा एंड, पर वो ए सेट नहीं होगा। देखो जो यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है पर वो सेट ए का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कैसे लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एंट्री कौन लेगा, एक्स लेगा, वो एक्स कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा एंड, पर वो ए सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये होती है ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक, चैट पे बताओ बात समझ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है सेट ए के बाहर है। सेट ए के बाहर कौन है, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में तो ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, और जो बाहर की दुनिया के हैं ये वाले जो एलिमेंट्स वो क्या है, वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहे। जैसे मैं लिख दिया वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करे पर ए को बिलोंग ना करे, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आगे बढ़ता हूँ, अब ये देखो क्वेश्चन दिया है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ मेरे को, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है आर, एक सेट दिया हुआ है एस। मैं पूछता हूँ व्हाट इज आर कॉम्प्लीमेंट। देखो आर और एस ये कोई दो सेट दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर एक आर सेट होगा कोई और कोई एक हो सकता है, मान लो ये एस सेट है, ठीक है, आर सेट और एक एस सेट और एक यूनिवर्सल सेट। खुद ही देखो आर के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर है, एस के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट जो है वो आर का भी यूनिवर्सल सेट है, एस का भी यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे बताओ पहला पार्ट, व्हाट इज आर डैश, आर डैश क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर क्या होगा, मतलब डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, चैट में फटाफट बताओ आर डैश के अंदर कौन कौन आएगा, सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, आर डैश के अंदर कौन कौन आएगा, आर डैश के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो आर को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। देखो आर के अंदर है 1, 2, 5, 6, यू के अंदर कौन है 1 से लेके 8, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आर का पार्ट नहीं है पर यू का पार्ट है, वो कौन कौन से हैं, 3 है 4 है और 7 है, 1, 2, 3, 4 और 6 भी है, 6 नहीं है, 3 है 4 है और 7 है और 8 है। ठीक, ये वाले चार एलिमेंट्स हैं जो आर डैश के अंदर आएंगे। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी कि आर डैश में कौन आएगा, 3, 4, 7, 8। अब मैं चैट पे देखता हूँ सबका रिस्पॉन्स क्या आया है, देखता हूँ कितनों ने ठीक कहा, एकता का ठीक है, ईशा का ठीक है, देवांश का ठीक है, ऋषभ अब समझ आ गया, तुमने 3 को स्किप कर दिया, ठीक आएगा ना ऋषभ, नतीश का भी ठीक है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, एस डैश बताओ क्या आएगा, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, एस डैश, एस डैश के अंदर कौन आएगा, 2, 4, 5, 7, 8 है यहाँ पे, 1, 3 और 6, एस डैश के अंदर आएगा 1, 3 और 6। ठीक, सभी का ठीक होना चाहिए, 1, 3, 6, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है 1, 3, 6। ठीक है, कोई बताओ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, यू डैश बताओ, यू डैश में कौन आएगा, यू डैश माने इस यू को छोड़ के क्या बचा, तीसरा पार्ट, यू डैश को छोड़ के क्या, यू डैश के अंदर नल सेट। ठीक है, अब देखो यू डैश मतलब यू के अंदर तो सब कुछ था, 1 भी था 2 भी था 3 4 8 सब है, 5 6 7 ये सारे एलिमेंट है यू के अंदर, तो यू डैश मतलब यू को छोड़ के क्या, यू के तो कुछ भी ना बचा, यू के अंदर तो सब कुछ था, मैं कह रहा हूँ यू को छोड़ के बताओ, यू के छोड़ के क्या बचा, 5। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 5, बिल्कुल ठीक। अब व्हाट इज 5 डैश, लास्ट पार्ट का आंसर बताओ, व्हाट इज 5 डैश,
ऋषभ, यूनिवर्सल सेट के बाहर जो हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट के बाहर हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है? तो यूनिवर्सल को छोड़ के जो चीजें बची वो क्या बची? फाइव, ठीक है? फाइव डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाइव। फाइव डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। फाइव तो खाली था, मैं कह रहा हूँ खाली को का कॉम्प्लीमेंट है, लो खाली का कॉम्प्लीमेंट है, सब कुछ है, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इतनी बात समझ आई? तो ये अपना हुआ कॉम्प्लीमेंट का काम खत्म। अब ध्यान से देखो, एक्सरसाइज पूरी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड है। कौन सी एक्सरसाइज है वो देखो, ये वाली मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में बताता हूँ जो आपको करनी है। मैं एक और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा आज। पहले वाला देख लो, एक्सरसाइज 1.5 है जो आपकी, वो है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी है, इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ क्या क्या है, जो आपको आज कंप्लीट कर लेने हैं। जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चों के लिए मैं आज एक नई वीडियो अलग से दूंगा जो आप लोग देखोगे, ठीक है? अभी देखो, सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोग खुद ही कर लोगे। एग्जाम्पल 720 दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कह रहा है ए डैश निकालो। फिर एग्जाम्पल 21 भी दे रखा है, उसका ए डैश निकालो। ये आप लोग कर लेना, पढ़ लेना इसको, अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ एक सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मैं अगर कहता हूँ इस ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वो क्या आ जाएगा? फिर से सेट ए आ जाएगा, ठीक है? एक गिवन सेट का, मान लो ये एक यूनिट था, ये ए सेट था, मैंने बोला इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लो, तो क्या आएगा? बाहर वाला। मैं कह रहा हूँ इस बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट लो, तो क्या आ जाएगा? ये अंदर वाला। मैं कहूंगा इस अंदर वाले का फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, क्या आएगा? बाहर वाला। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते रहोगे तो एक्सचेंज होता रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो फिर से ए। इतनी सी बात, ठीक? उसके बाद देखो, ये और क्वेश्चंस दे रखे हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ये सब निकालना है। अब मैं कुछ थ्योरी और पढ़ा रहा हूँ जो आपको यूज होंगी, ठीक है? अगला टॉपिक है ऑपरेशंस। आई हैव बुक एलिमेंट्स बट डू नॉट हैव एनसीईआरटी। कोई बात नहीं, जिसके नहीं है मेरे को मैसेज करना, मैं एनसीईआरटी प्रोवाइड कर दूंगा उसको, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? अब मैं बढ़ रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, नया टॉपिक है जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स का आता हूँ, ये वाला टॉपिक। आपको मैं बताने, ये सेट ऑपरेशंस, ये नया टॉपिक है सेट ऑपरेशंस, ठीक? सेट ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन तो था कॉम्प्लीमेंट वाले कि ए सेट का ऊपर डैश लगा दिया तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इस सेट के बाहर वाले, ठीक? तो ये तो पहला ऑपरेशन हो गया जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी। नेक्स्ट ऑपरेशन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है नेक्स्ट ऑपरेशन। अब सेट का नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। मान लो एक गिवन सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक? और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ अपने को। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है, और बीच के अंदर मैं एक सिंबल यूज कर दूं उल्टा यू, इसको आप क्या बोलोगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि ए एलिमेंट, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन पोर्शन है उसको बताना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए के वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, या फिर जो बी के एलिमेंट जो ए के अंदर भी प्रेजेंट है, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, वो दोनों को लेके आना है, उसको बोला जाएगा इंटरसेक्शन। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों का ओवरलैप पोर्शन कौन सा दिख रहा है? ये ब्लू वाला, देखो ये पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन है जो, ठीक है, कॉमन पोर्शन है कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो इस वाले पोर्शन के अंदर आते हैं। तो कॉमन पोर्शन वाले को क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? एक्स आएगा। एक्स कैसा होगा? ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी दिखे, जो बी में भी दिखे। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट तो सिर्फ ए में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा। ये वाला एलिमेंट है जो सिर्फ बी में दिख रहा है पर ए में नहीं दिख रहा। पर ये वाला जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट ए में भी दिख रहे हैं, बी में भी दिख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो वाले एलिमेंट्स ले जाते हैं जो ए में भी हो एंड बी में भी हो। चैट पे बताओ, बात समझ आई? चलो फटाफट, इंटरसेक्शन समझ आया?
देखो मेरी आदत यही है कि मैं पढ़ाते हुए साथ साथ पूछूंगा, क्योंकि मेरे को देखना है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए येस और नो में। ठीक है, मैं थ्रू आउट ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हर 10 मिनट 7 मिनट बाद मैं पूछता रहूंगा कि समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, और आपको ये रूल बना लेना है कि आपको मेरे को बताना है, उसके हिसाब से मैं स्पीड अपना कंटेंट डिलीवर करूंगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। सबने बोला येस। नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का यूनियन, एक सेट ए दिया हुआ है एक सेट बी दिया हुआ है, उसके बीच में मैंने क्या यूज कर दिया, ये वाला सिंबल। ठीक है, इस सिंबल को बोला जाता है यूनियन। ये यूनिवर्सल सिंबल नहीं है, वो यू अलग है, ये यू अलग है। इस वाले को क्या, ए और बी के बीच में अगर ये चीज यूज करता हूँ, इसको आप कैसे पढ़ोगे, यूनियन। यूनियन माने दो चीजों का जोड़ देना, कि ए भी आए बी भी आए। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, मेरे को वो सारे एलिमेंट्स रखने, या तो वो ए में प्रेजेंट हो और बी में प्रेजेंट हो, या ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट हो। देखो मैं ये वाले एलिमेंट्स भी रखूंगा क्योंकि ए में प्रेजेंट है, ये वाले एलिमेंट्स भी रखूंगा बी में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट्स भी रखूंगा जो कि ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी में कौन आएगा, एक्स आएगा। वो एक्स कैसा होना चाहिए, होना चाहिए कि या तो वो ए को बिलोंग कर रहा हो और मतलब या एक्स बी को बिलोंग कर रहा हो, कि ऐसा एलिमेंट उठा लो जो आपको या तो ए में मिल जाए या फिर बी में मिल जाए। तो देखो ये वाला एलिमेंट है ये ए में मिल रहा है तो इसको रखेंगे, ये वाला एलिमेंट है ये बी में मिल रहा है इसको भी रखेंगे, ये वाला एलिमेंट ए में, ए की तरफ से देखो तो ए में मिल रहा है, बी की तरफ से देखो तो बी में मिल रहा है, इसको भी रखेंगे। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी के अंदर क्या आएंगे, ये पूरा का ब्लू वाला पोर्शन। तो इसको शेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेड करना, जो सा डिजायर्ड एरिया है, डिजायर्ड पोर्शन है जो हमें चाहिए उसको शेड करना। तो आपको शेडिंग का कॉन्सेप्ट भी आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि वेन डायग्राम के अंदर शेड कैसे करते हैं गिवन पोर्शन को। तो ए यूनियन बी शेडेड पोर्शन ये ब्लू वाला पूरा है, ए इंटरसेक्शन बी का शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये बीच वाला पूरा है। तो आपको इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट पोर्शन देखो क्या है, ऑपरेशन है डिफरेंस, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस के अंदर क्या होता है, देखो अगर मैंने दो तरह की चीजें होती हैं, ए माइनस बी होता है एक, और एक ऑपरेशन होता है बी माइनस ए। ठीक, अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी को ध्यान से देखो, क्या बोलूंगा मैं, ए माइनस बी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो केवल और केवल ए में प्रेजेंट हो पर बी में प्रेजेंट ना हो। देखो ए का पोर्शन ये पूरा है, ये पूरा जो सर्कल है ये ए का हिस्सा है, पूरा का पूरा ए का हिस्सा है। अब ध्यान से देखो, ए के अंदर जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो केवल और केवल ए को बिलोंग करते हैं, पर इसी ए सेट का ये वाला देखूं, ये वाले एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ए को तो बिलोंग कर रहे हैं पर बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। पर मैंने क्या बोला, मेरे को क्या चाहिए, केवल और केवल वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए को बिलोंग कर रहे हो, बी को बिलोंग कर रहे हो। इस तरह की चीज को लिखने के लिए हम बोलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी के अंदर कौन सा पोर्शन आएगा, केवल और केवल वो जो केवल और केवल सिर्फ ए को बिलोंग करे, बिलोंग ना करे, ये वाला पोर्शन है जो ब्लू वाला। यही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए को बिलोंग करते हैं बी को बिलोंग नहीं करते, ये वाले जो पोर्शन है ये क्या है, जो ए को भी बिलोंग करते हैं एंड बी को भी बिलोंग करते हैं। तो ए माइनस बी आपको ये सिंबल याद रखना है, शेडेड पोर्शन याद रखना है। अगर मैं वही बोलता हूँ कि बी माइनस ए चाहिए, तो बी माइनस ए क्या होगा, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो बी का वो वाला पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ बी के पास हो, वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं पर ए को बिलोंग नहीं करते। तो जो शेडिंग करी, ये शेडिंग किसकी करी मैंने, बी माइनस ए की। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, ए माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे एक्स। ठीक, वो एक्स कैसे चाहिए, वो एक्स ए को तो बिलोंग करें एंड, और नहीं है एंड है, मतलब ये वाली कंडीशन भी, पर वो एलिमेंट बी को बिलोंग ना करे। वो एलिमेंट ए को बिलोंग करना चाहिए पर वो एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये ए को बिलोंग करते हैं बी को बिलोंग नहीं करते, ये पर ये वाले जो एलिमेंट है ये तो इंटरसेक्शन एलिमेंट है। देखो यहाँ पे वो ये वाले एलिमेंट जो है वो ए को भी बिलोंग करते हैं एंड बी को भी बिलोंग करते हैं, तो मुझे कौन से वाले एलिमेंट लिखने, सिर्फ ये बाहर वाले। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वो एलिमेंट ए को बिलोंग करें पर बी को बिलोंग ना करें। चैट पे बताओ इतनी बात समझ आई, सेट डिफरेंस क्या होता है, यस और नो। काम करते हैं आपकी एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपके ये वाले टॉपिक्स ने कवर किए, अभी ये वाली एक्सरसाइज थी आपकी ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन सेट्स में पहला हमने पढ़ लिया यूनियन ऑफ सेट,
देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी, हमें क्या निकालना है ए यूनियन बी। अब देखो करने का तरीका उसको क्या है, ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है ए यूनियन बी जब निकालोगे आपको क्या करना है, आपको एक कलेक्शन बनानी है। क्या बनानी है? कलेक्शन ऐसे एलिमेंट्स की जो ए में भी प्रेजेंट हो बी में भी प्रेजेंट हो, पूरा ए यूनियन बी का सेट क्या होगा उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए जो ए में भी प्रेजेंट है बी में भी प्रेजेंट है। ए की तरफ से देखते हो तो दो चार छह आठ है, इसको मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पे, दो चार छ आठ, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, मुझे बी के एलिमेंट्स भी लिखने हैं क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होता है सारी कलेक्शन की जाती है ए की और बी की। अब मैं ध्यान से देखने लगा बी के एलिमेंट्स भी लिखने लगा तो छह आठ दस बारह फिर से आया, मैं देखा कि छह आठ तो मैं ए की तरफ से इंक्लूड कर ही चुका हूँ और मुझे पता है सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना चाहिए, तो छह आठ ए की तरफ से आ गया है तो बी की तरफ से मैं दोबारा लिखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे सीधा टेन ट्वेल्व। तो इससे क्या हुआ सारे पोर्शन कवर हो गए, ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ गए। दो चार किसकी तरफ से है, सिर्फ और सिर्फ ए की तरफ से। दस और बारह किसकी तरफ है, सिर्फ और सिर्फ बी की तरफ से। छह और आठ के ए और बी दोनों की तरफ से, तो कलेक्शन ये आ गई। तो ए यूनियन बी लिखते हुए क्या है, आपको एलिमेंट रिपीट नहीं करना, जो एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी के अंदर उनको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना। चैट में बात समझ आई, यस और नो? देखो यहाँ पे लिखा है नोट दैट द कॉमन एलिमेंट सिक्स एंड एट हैव बीन टेकन ओनली वंस व्हाइल राइटिंग ए यूनियन बी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग जरूर पढ़ना इसको, ठीक। अब देखो ये फिगर नाइन, इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर ए यूनियन बी का पूरा ब्लू वाला पोर्शन शेड किया हुआ है तो इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री, प्रॉपर्टी फोर, प्रॉपर्टी फाइव आ रहा है। ए और बी का यूनियन करूं या फिर बी और ए का यूनियन करूं, एक ही बात है भाई। ए और बी की कलेक्शन देखूं या बी और ए की कलेक्शन देखूं तो एक ही बात आएगी भाई, ए और बी को जोड़ूं या बी और ए को जोड़ूं तो एक ही बात आएगी, बिल्कुल सही है। तो पहली प्रॉपर्टी ठीक है, ठीक। उसके बाद देखो फिर क्या कहते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टी है तीन सेट से रिलेटेड, क्या कहते हैं कि ए बी का यूनियन करो, ए बी का यूनियन करो और जो भी आए उसका यूनियन के साथ करो, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा कि बी और सी का यूनियन पहले करो फिर जो आंसर आए उसका ए के साथ यूनियन करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ए और बी दो सेट का यूनियन करके सी के साथ यूनियन निकालो या फिर बी और सी का पहले यूनियन कर लो उसका ए के साथ यूनियन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं दो प्लस चार प्लस छ है, ये करना है तो आप दो और चार को जोड़ के छ ऐड करो या फिर टू प्लस फोर प्लस सिक्स करो, एक ही बात है, तो वही चीज, इसको एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ये बताओ ए यूनियन फाइव क्या होना चाहिए, फाइव में तो कुछ भी नहीं है और ए में सब कुछ है, सब कुछ और खाली का यूनियन कितना होगा, सेट ए होगा, क्योंकि ए यूनियन फाइव मतलब ए में बहुत कुछ है, मेरे को ए और फाइव का यूनियन करना है तो क्या आ जाएगा, सेट ए खुद ही आ जाएगा, ठीक बात। फिर मैं बोलता हूँ तो ए यूनियन ए निकालना है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है मान लो क्या वन टू थ्री, वन टू थ्री, मैं कहता हूँ सेट ए का यूनियन इसी सेट ए के साथ निकालो, ए यूनियन ए, तो आप क्या करोगे, दोनों सेट सेम ही है, दोनों सेट सेम है तो मैं क्या करूंगा, जो उनसे एलिमेंट्स हैं उनको एक ही बार लिख दूंगा क्योंकि सारे सेम है, तो एक ही बार लिख दूंगा वन टू थ्री आ जाएगा ये, ठीक। तो ए यूनियन ए कितना होता है ए, ठीक। उसके बाद यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करूं तो क्या होगा, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है और अंदर उसके सेट एक ए सेट है, ए सेट का यूनियन में यूनिवर्सल सेट के साथ करूं, देखो यू के अंदर तो ए आ चुका हुआ है, क्या करना है वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन लिखनी है जो यू में है एंड ए में है, इन सबके मिला के। अब ए पूरा का पूरा यू में तो आ ही चुका हुआ है और यू के एलिमेंट्स बाहर भी सब कुछ है, तो इसका क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। चैट पर बताओ ये सारे लॉ समझ आए, ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई, यस और नो? लास्ट के दो दोबारा बताओ, लास्ट के दो देखो भाई दोबारा देखो, ए यूनियन ए, मैंने बोला एक सेट है वन टू थ्री, ये एक सेट है, इसी सेट का यूनियन करो इसी खुद के सेट के साथ, तो यूनियन करते हुए क्या लिखते हो, वही एलिमेंट्स लिखते हो जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो। अब दोनों सेट ए सेम ही है, दोनों ही कॉमन है सब कुछ, ए वन टू थ्री, अब मेरे को क्या लिखनी है, इन दोनों का यूनियन लिखना है, यूनियन लिखने के लिए क्या लिखूंगा, ए के एलिमेंट्स कवर हो जाए
दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 2 3 लिख दूं। यूनियन में तो क्या होना चाहिए था, इसके भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो दोनों के एलिमेंट सेम है तो एक ही बार लिखूंगा, ये सब सेट आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, लॉस के प्रूफ भी करने हैं क्या, एक था इसके मैं वेन डायग्राम से इनके प्रूफ कराऊंगा सारे, कल की क्लास में इनके प्रूफ होंगे सबके, सारे प्रूफ कराऊंगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन मैंने आपको समझाया अभी, अच्छा ये जब लेक्चर हो जाएगा ना इसकी YouTube पे वीडियो भी आएगी दोबारा से, वो वीडियो को आप दोबारा देख के दोबारा भी समझ सकते हो। सबसे अच्छी चीज यही है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है, वीडियो YouTube की बन जाती है और वो आप लोगों को दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट ए दिया, सेट बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखो ये वाला पोर्शन होता था ए इंटरसेक्शन बी, अब चेक करो ए सेट में और बी सेट में कौन कौन कॉमन है, 2 3 2 है, 3 है, 5 भी है, यहाँ पे 7 भी है। देखो पूरे के पूरे जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सेट बी पूरा का भी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, 2 3 5 7 2 3 5 7 ये जो है क्या है आपका, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है ये आ गया। अच्छा इससे एक चीज सीखी हम, देखो बी जो है बी पूरा का पूरा अंदर है, बी पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो ऐसा लग रहा है कि एक ये सेट ए है और एक ये सेट बी है, ये सेट बी और ये सेट ए। मैं पूछता हूँ ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा है बी पूरा का पूरा ए के अंदर है और दोनों का कॉमन कौन है, सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ, अगर मैं से पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे कंक्लूजन क्या निकली, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो जो सेट सबसेट है वही इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, ए और बी का कॉमन हिस्सा कौन आ रहा है, बी, क्योंकि बी ए का सबसेट है, तो ये प्रूफ उसने करने के लिए बोला, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। अब देखो ये सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बी दिया हुआ है, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाता कि ये सेट ए है ये सेट बी है, देखो दोनों में कुछ ना कुछ ओवरलैप्ड है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कोई ना कोई एलिमेंट्स तो कॉमन दिखते हैं यहाँ पर यहाँ पे एक ए है एक सेट बी है, दोनों में ओवरलैपिंग है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर है ही नहीं कोई, तो दोनों ही अलग अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं इसके एलिमेंट्स अलग हैं, दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा एक एम्प्टी सेट। क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो एक डेफिनेशन होती है, अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली आ जाए, फाई आ जाए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है आपका, एम्प्टी सेट। क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। और ऐसे सेट को क्या बोलता हूँ मैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन खाली आ जाए तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। चैट पे बताओ बात समझ आई, कि सेट डिसजॉइंट सेट कब होंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई। सभी रिस्पॉन्स दो फटाफट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से कुछ प्रॉपर्टीज देखो। देखो इनकी इनके सबके प्रूफ मैं आपको कराऊंगा वेन डायग्राम के थ्रू, अभी तो समझने की बात करो। अगर मैं बोलता हूँ एक सेट ए है एक सेट बी है, मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन का तो क्या आया, ये कॉमन वाला पार्ट आया। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी किसके होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। अंडरस्टूड है भाई, ए का बी के साथ कॉमन हिस्सा देखूं या बी का ए के साथ कॉमन हिस्सा देखूं, तो सेम ही तो आएगा। मैं बोलूं ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स निकालो या फिर बी एंड ए में कॉमन एलिमेंट्स निकालो, तो दोनों में सेम ही आएंगे, तो इसलिए ये तो ऑब्वियस बात है, पहली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। और जैसे मैंने यूनियन में बोला था कि ए बी का इंटरसेक्शन करो फिर सी के साथ करो, या फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करके ए के साथ करो, आंसर सेम आने वाला है। इसका प्रूफ कल मैं वेन डायग्राम आपको दिखा दूंगा, पर याद करने की तो प्रॉपर्टी करनी ही पड़ेगी आपको, याद तो करनी पड़ेगी, प्रूफ कल मिल जाएगा कि बी सी का इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ निकालो या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के सी के साथ निकालो, तो सेम आएगा। ठीक, अब फाई इंटरसेक्शन ए, भाई एक सेट है खाली, एक सेट है
ये मान लो एक सेट है मेरा ये वाला खाली, और दूसरा सेट है मान लो 1 2 3। अब मैं बोलूं इन दोनों में बताओ कॉमन एलिमेंट कितने हैं, इस वाले सेट और इस वाले सेट में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें 1 2 3 है, दोनों में दिखने में कुछ सेम है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा इन दोनों का कॉमन क्या है? इन दोनों का कॉमन क्या है? खाली, कोई आएगा ही नहीं दोनों में कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं, इसमें 3 एलिमेंट है तो दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, खाली। तो फाई इंटरसेक्शन ए कितना होता है? फाई इंटरसेक्शन ए कितना होता है? फाई। फिर मैं पूछता हूँ एक सेट यू है और एक सेट ए है, पूछता हूँ इस यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा? इस यूनिवर्सल सेट का ही तो पार्ट है ये छोटा सा ए, तो ए और यूनिवर्सल सेट के अंदर कॉमन कौन है? ये सेट ए कॉमन है। तो हमेशा याद रखो कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन आप किसी एक सेट के साथ लोगे तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ। अब फिर से वही बात, ए सेट है मेरा 1 2 3, मान लो 1 और 2 है ए सेट, और दूसरा सेट भी ए ही लिया मैंने, कितना है? 1 2 1 कॉमा 2। ठीक, मैं बोलूं दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन तो सारी एलिमेंट्स हैं, आंसर कितना आ जाएगा? ए। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कितना होता है? ए। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है आपको। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टी फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज को मैं वेन डायग्राम से कल आपको प्रूव करके दूंगा, क्योंकि आज की क्लास में ये हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम लग जाएगा इसमें, तो कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे। ये क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या कहता है कि ए का बी के साथ पहले इंटरसेक्शन ले लो, देखो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, और जो यूनिवर्स है बीच में, यूनियन है जो, इसको बीच में ले आओ, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन ले लो। इसका मतलब क्या है? इस इंटरसेक्शन का बी, इस इंटरसेक्शन को बी के साथ भी लेना है, इस इंटरसेक्शन को सी के साथ भी लेना है, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी लेना है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी लेना है, और जो ये यू है बीच में यूनियन, इन दोनों के बीच में यूनियन आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। इसलिए क्या बोला जाता है? इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यू के ऊपर। देखो इंटरसेक्शन यहाँ पर भी दिख गया, इस इंटरसेक्शन को यहाँ पर भी दिख गया, और बीच में गया यूनियन, तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चैट में बताओ बात समझ आई, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? कुछ प्रॉपर्टीज से कम है, वेन डायग्राम से कराऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज की थ्योरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये वाले जो डायग्राम्स है ना जो आपको दिख रहे होंगे, ये वाले मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मैं कराने वाला हूँ, ये सारे वेन डायग्राम कराने वाला हूँ। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये सारे वेन डायग्राम आपको कराऊंगा कल, ये जो आपको दिख रहे हैं, कल पूरी क्लास इसी के ऊपर रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, करे ये कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, आज तो मैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 1.5 कवर कर रहा हूँ, तो इस पर भी ध्यान मत देना। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये सारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा दिया, अब देखो ए के अंदर ये है, बी के अंदर ये है, मैंने बोला ए माइनस बी निकालो। अब ए माइनस बी ध्यान से रखो कौन सा पोर्शन है? ये वाला। तो ए सेट के वो एलिमेंट्स रखने जो केवल और केवल ए के पास हो, बी के पास ना हो, तो कॉमन एलिमेंट्स हटा देने। तो ध्यान से देखो, ए के अंदर 1 से लेके 6 तक है, बी के अंदर 2 4 6 8 है, पर इसके अंदर 2 4 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी का हिस्सा भी है। तो मतलब ये तो 2 4 और 6 ऐसे एलिमेंट जो बी का पार्ट भी है, केवल और केवल 1 3 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो केवल और केवल ए का पार्ट है। तो मैं पूछता हूँ ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी आ जाएगा आपका 1 3 5। ठीक, ये आपको याद रखना है कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। फिर बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए में क्या करोगे? बी में से वो एलिमेंट्स हटा दोगे जो ए के पास हैं। कौन कौन से हैं? 2 4 6, ये तीनों एलिमेंट्स ए के पास भी हैं, तो मुझे कौन से रखने? केवल और केवल जो बी के पास हो, वो कौन सा बचा? सिर्फ 8। तो बी माइनस से आ जाएगा 8। ठीक, ये एग्जांपल नंबर 19 आप लोग करना आज। उसके बाद देखो ये सारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी आपकी, आज कंप्लीट कर लोगे आप। कॉम्प्लीमेंट आपको बता दिया, कॉम्प्लीमेंट कवर कर लोगे। अब ध्यान से देखो ये वाली जो चीज है, ये कल आपको वेन डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आज आप नहीं करोगे। सिमिलरली ये वाला भी आप लोग आज प्रूफ करोगे, इनका प्रूफ मैं कल आपको दूंगा।
और ये एग्जांपल नंबर 22 आप जरूर करोगे, मैं करा देता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 22 देखो, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया, सेट बी दिया हुआ है। पहला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट, ये हम कर लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हम कर लेंगे। अगला पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ निकाल लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे, और पूछा क्या गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हो, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हो, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स हम लिख ही लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। साथ में ए यूनियन बी भी हम निकाल लेंगे, ए पता है बी पता है, इन दोनों का यूनियन हम निकाल लेंगे, और साथ में फिर हम इसको प्रूव करेंगे। ये आप लोग ट्राई करना, इसको मैं कल दोबारा से भी कराऊंगा, पर आप लोग कर लेना क्योंकि हो जाना चाहिए ये, मैंने अच्छे से थ्योरी समझा दी आपको। नेक्स्ट ये वाले, कल अपन की शुरुआत जो होगी वो यहीं से होगी, वेन डायग्राम कराऊंगा सबसे पहले। देखो ये तो मैं कराई चुका हूँ आपको, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव होता है, फाइव कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनिवर्सल सेट होता है, ये सब रुका हुआ है। ये कराता हूँ मैं आपको, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखो, ये सेट क्या आपका ए, बाहर की दुनिया क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बोलता हूँ ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करो, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स भी कवर हो रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स भी कवर हो रहे हैं। जब ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए तो वो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। ये बताओ मेरे को चैट पे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यस और नो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है, इसके बारे में बताओ, बात समझ आई। फटाफट दो रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मेरे को एक सेट दिया होगा ए, ये जो सेट है ये क्या है, सेट ए, इस सेट ए के बाहर की दुनिया क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। देखो जो एलिमेंट्स ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में ए में नहीं है। तो मैं पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका आंसर कितना आएगा, फाइव, कुछ भी नहीं आएगा खाली, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन होता ही नहीं है, ठीक। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी, ये हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी होगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली डी मॉर्गन्स लॉ, ये कल मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में और समझने में आप लोगों को, ये वाली चीज कल होगी। पर हाँ ये जरूर है कि आप ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर दो, ये प्रॉपर्टी का इतना यूज नहीं होगा, पर कल मैं वो प्रॉपर्टी करा दूंगा। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1.4 1.5, ठीक, ये आप लोगों को कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के बाद जैसे चैट पे मैसेज पढ़ लूं, सर तीन वाली बता दो दोबारा, तीन थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी बता देता हूँ उनको। देखो ये वाली प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपको बताया था ना भाई, देखो ये एक सेट ए है, मैंने बोला इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लो, तो सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, ये बाहर वाले एलिमेंट्स, ये सारे के सारे बाहर वाले एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैंने कह दिया जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं इनका कॉम्प्लीमेंट लो, तो कौन से आएंगे, अंदर वाले एलिमेंट्स। तो मेरे पास ए था, जब ए का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आया, बाहर वाले एलिमेंट्स। फिर मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लीमेंट का मैंने दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लो, तो क्या आएंगे, अंदर वाले एलिमेंट्स। अंदर वाले एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, फिर से ए बन जाएंगे। बात आई समझ, जिसका डाउट था एक बार बताओ चैट पे, समझ आया ऋषभ, समझ आया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो काम कैसे करेंगे अपन लोग, काम का तरीका ये रहेगा, मैंने तो देखो आपको क्या करूंगा, ये सारी थ्योरी मैं आपको ऐसी स्क्रीन शेयर करके सारी पढ़ाया करूंगा, ठीक है। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, मैं जो आपको होमवर्क दूंगा आप वो मुझे करके आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, जैसे आज क्लास हुई 7:30 बजे क्लास खत्म होगी, कल आप मुझे सुबह 1 बजे तक, 1 PM 1 बजे तक आपको एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.5 करके सबमिट करेंगे, और 1 बजे से पहले पहले जो आपके डाउट्स होंगे वो भी मुझे भेज दोगे, ताकि कल वाली क्लास शुरू करूं तो पहले वो डाउट्स मैं आपके कवर करूं और फिर आगे की थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊं। इस तरीके से हम करेंगे, जो भी मैं डेली का काम दूंगा डेली का डेली करना, जो भी डाउट्स होंगे 1 बजे पहले मेरे को आप भेजोगे, उन डाउट्स को मैं कवर करूंगा उसी वीडियो के अंदर, आगे बढ़ेंगे फिर। तो कल का काम 1 बजे तक आपका ये है कि 1.4 1.5 आपको मुझे कंप्लीट देनी है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, नोट्स तो मैं आपको देता ही रहूंगा साथ के साथ। एक्सरसाइज 1.5 पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कल शुरू करूंगा मैं यहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट्स, और साथ में क्या कराऊंगा मैं आपको, ये सारे के सारे वेन डायग्राम कराऊंगा। होते ही आपकी 1.6 कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चों ने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी थी प्लीज मैसेज करना। मैं नंबर आपको फिर से दे रहा हूँ, 9582845717। मैसेज में मुझे बस यही बोलना कि आपकी पहली क्लास थी, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं आपको स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज की वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। अब वो वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद जो आज का लेक्चर हुआ है उसको भी देख लो, तो आप बराबर आ जाओगे। इस हफ्ते तक फोर्थ बैच फिफ्थ बैच दोनों कंबाइन हो जाएगा अच्छे से। फोर्थ बैच वालों को मैं अलग से भी इस हफ्ते में एक आधा टेस्ट लूंगा जिससे उनका इंग्लिश ना हो और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, और फिफ्थ बैच को इतनी देर में मैं उनके बराबर ले आऊंगा। फिर अच्छे से कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज कर देना आपको। अब मिलते हैं कल वही 6:30 बजे, ठीक। चैट पे मुझे एक बार बता दो, जो भी आज पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे उनको क्लास समझ आई, यस और नो? आज वाली वीडियो पब्लिक का सुबह 10 बजे तक मिल जाएगी आपको। मुझे अभी ये रिस्पॉन्स दे दो, आपको समझ आया जो आपने पढ़ा?